देखिए फ्रेंड्स, रिमशा की अलमारी का कुछ ये हाल हो रहा है। अभी मैंने अपने तनवीर के सर्दियों के कपड़े तो रख लिए हैं, रिमशा के नहीं रखे हैं। तो मैं सोच रही हूँ आज रिमशा के कपड़े रख देती हूँ। तो चलिए अभी जरा रिमशा के कपड़े निकालते हैं। और ये देखिए कश्यप मेरी हेल्प कर रही है उधर से, ये सारी गद्दियाँ वगैरह हटा रही है, क्योंकि इस वाले बॉक्स में हम सोच रहे हैं रिमशा के कपड़े रख देते हैं। चलो लो, रख रख कराओ बच्चों। ओके, एक साइड में रख के आते हैं। रिमशु हेलो करो। हेलो हेलो। पुच्छी कर दो रिमशु, बुशी के पुच्छी कर दो, बुशी के पुच्छी कर दो रिमशु। एक और बार पुच्छी करो। जाओ लाके दो। यहाँ पर रख दो। कहाँ पर रख दो? दिखाओ, तुम लाके दो, दिखा लाओ। हाय देखिए फ्रेंड्स, इन बच्चों ने कितने अच्छे तरीके से ये रिमशा के विंटर वाले कपड़े रख दिए हैं। तो चलिए अभी हम घुसते हैं जरा ये वाले बॉक्स में और इसमें से रिमशा के गर्मियों के कपड़े निकालते हैं और ये वाले कपड़े रखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने रिमशा के कपड़े लगा दिए हैं इस तरीके से। अभी ये वाली जगह मैंने खाली करी है क्योंकि हाँ, मुझे अपना और सर्दियों का थोड़े कपड़े रखने हैं। और ये देखिए मेरी रिमशा सेंटा क्लॉस बन गई है। हेलो रिमो। हाँ मेरी रिमो, ये बुच्ची बैठी हुई है, ये हमारी कश्यप बैठी हुई है जिसको नींद आ रही है। और मेरे बच्चों ने मेरी बड़ी हेल्प करी है, जल्दी से कपड़े लगवा दिए हैं। तो थैंक यू बच्चों। वेलकम। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी रिमशा के कपड़े लगा लिए हैं। मेरी रिमशा की अलमारी माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा, रिमशा का भी ये वाला खाना रह गया है जिसे मुझे साफ करना है। अभी जरा खाने का टाइम हो रहा है तो उसके बाद मैं करूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आज रिमशा की एक ये वाली ड्रेस लेकर आई हूँ। ये मुझे इतनी क्यूट लगी है ड्रेस कि मेरा दिल कर रहा है एकदम अपने रिमशा के लिए ले लूँ। अब मेरी रिमशा पे ये वाले कपड़े भी बहुत प्यारे लगते हैं और इसमें बहुत क्यूट लगती है माशाल्लाह से। देखिए यहाँ मैं बना रही हूँ दलिया। आज मेरा डिनर में कुछ लाइट खाने का दिल था तो इसलिए मैं दलिया बना रही हूँ। मैंने दलिया में हल्दी, धनिया और नमक डाल के इसे दो सीटी में उबाल लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरी प्याज मैं हल्की ब्राउन कर रही हूँ। फिर अच्छा, पहले मैंने इसके अंदर तेल डाला था, फिर थोड़ा सा जीरा डाला है, फिर प्याज ब्राउन कर रही हूँ। और फिर इसके अंदर मैं डालूंगी टमाटर। हरी मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर लिया, दो हरी मिर्च ली है जिसे मैंने चॉप कर ली है। और इधर मेरी प्याज ब्राउन होने स्टार्ट हो गई है। तो चलिए अभी प्याज जब ब्राउन होती है तो इसके अंदर डालती हूँ टमाटर, हरी मिर्च, फिर उन्हें भी अच्छे से ब्राउन कर लूँगी। फिर इसके अंदर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च ना हो तो आप वैसे भी नॉर्मल मिर्च यूज़ कर सकते हैं जो आप अपनी सब्जी में डालते हैं। और थोड़ा सा गरम मसाला और नमक टेस्ट कर लेना, क्योंकि नमक आपने दलिया उबालते हुए भी डालते हैं तो इसलिए नमक आप टेस्ट कर लेना। फिर इसके अंदर दलिया डालना, थोड़ा सा पानी डालना और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना सारे मिक्सचर को। आपको यम्मी सा मसाले वाला दलिया तैयार है। ये फ्रेंड्स, यहाँ मैंने डाल दिए हैं अपने टमाटर जिन्हें मैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लूँगी, यानी कि इतना कर लूँगी कि मेरे टमाटर अच्छे से गल जाए, क्योंकि दलिया मेरा गला हुआ है तो इसे मुझे भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने इसके अंदर आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और आधी से थोड़ा कम गरम मसाला
आधी चम्मच नमक डाल लिया है। ये इस तरीके का मिक्सचर तैयार हो जाता है। मैंने दलिया डाल दिया है। दलिया मैंने आधा घंटे पहले ही से बॉईल कर लिया था, तो इसलिए मेरा दलिया ऐसा हो गया है। पहले मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ, फिर इसके अंदर में थोड़ा पानी डाल दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा दलिया एकदम यम्मी सा बन के तैयार हो गया है। तो चलिए अभी इसे सर्व करती हूँ, और ये बहुत जल्दी से बहुत यम्मी सी डिश बनी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे रूम का कुछ ये हाल हो रहा है। अभी रिमशा ने अपने कपड़े गीले कर लिए थे, तो मैंने उसके कपड़े चेंज करे हैं। रिमशा यहाँ अभी खाना खा रही है, इसे रात के किसी भी टाइम भूख लग जाती है। और ये देखिए इस बच्ची ने हमारी वॉल का क्या हाल करा, अपने सारे स्टिकर यहाँ चिपका दिए हैं। तो चलिए अभी मैं अपना व्लॉग एडिट कर रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब करती हूँ इस व्लॉग को एंड, फिर मिलूंगी एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।